प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद में लाइक करें। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, कक्षा 10, एक्सरसाइज नंबर 6। मैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत कर रहा हूँ इस टॉपिक की। देखिएगा, हम बात करते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति कहा किसे जाता है? त्रिकोणमिति को इंग्लिश में हम बोले तो बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। अगर इस शब्द की बात करें हम तो इस शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द से हुई है, जिसमें ट्री गॉन और मेट्रॉन, इन तीन को मिलाकर के ट्रिग्नोमेट्री बना है। अगर इनकी साफ साफ शब्दों में हम बात करें तो ट्री का मतलब होता है यहाँ तीन, गॉन होती है भुजा और मेट्रॉन होती है माप, अर्थात तीन भुजाओं के माप। अगर हम इसका हिंदी नाम जो है त्रिकोणमिति उसकी बात करें, अगर इस त्रिकोणमिति शब्द का मैं संधि विच्छेद करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं त्रि धन कोण धन मिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण और प्लस मिति, मिति होती है माप। ये बता रहा है तीन कोणों का माप, तीन भुजाओं की माप या तीन कोणों की माप। संयुक्त रूप में आप यूं बोल सकते हैं कि तीन कोणों की माप जो है, तीन कोण होते किसमें हैं? त्रिभुज में होते हैं। तीन भुजाएं किसमें होती हैं? त्रिभुज में होती हैं। इसका मतलब हम एक बात तो समझ गए कि ये तो तय है कि त्रिकोणमिति जो है वो त्रिभुज के बारे में है। विशेष बात इसमें ध्यान रखने योग्य ये है कि इसका अध्ययन करते समय, इसका अध्ययन करते समय समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। जब भी हम इसका अध्ययन करेंगे तो समकोण त्रिभुज के लिए करेंगे। अब बात आती है कि जब समकोण त्रिभुज के बारे में ये है तो हम छोटी सी एक बात कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज बोलते किसको हैं। देखिएगा, समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को बोला जाता है जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये कोई त्रिभुज है, नाम दे दिया मैंने इस त्रिभुज का ए बी सी। बी कोण है वो 90 डिग्री का है। प्यारे विद्यार्थियों, समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को बोला जाता है जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अब देखिएगा, समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती हैं, हर त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती हैं उन तीन भुजाओं को कुछ नाम दिया गया। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है इस भुजा को बोला जाता है करण। 90 डिग्री के सामने जो भुजा है उस भुजा को बोला जाता है करण, जो कि उस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का, तो इसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी। अब बात करते हैं, दो भुजाएं और बच गई और दो कोण बच गए।
एक कोण ए बच गया, एक कोण सी बच गया। प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का हो गया, तो ये तो तय है कि ए और सी जो दोनों कोण होंगे वो 90 डिग्री से कम के होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए कोण है, ये ए कोण न्यून कोण होगा, कोण सी है वो भी न्यून कोण होगा। अब देखिएगा, अगर मान लो अपने को कोण सी दिया गया है थीटा, तो इस न्यून कोण थीटा के लिए इसके सम्मुख भुजा जो होगी उसे हम बोलेंगे लंब, और बची हुई भुजा कहलाएगी आधार। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का विशेष ध्यान रखना, यदि आपको एंगल ए दिया गया है, मान लो सी एंगल आपको दिया हुआ नहीं है, ए एंगल दिया हुआ है, ये थीटा है, तो फिर इस थीटा एंगल के लिए इसके सम्मुख भुजा जो होगी ये लंब होगी, और ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ये लंब और आधार डिपेंड करता है न्यून कोण के ऊपर, कि हमें इस समकोण त्रिभुज में न्यून कोण कौन सा लेना है। जो न्यून कोण हम लेंगे उसके सम्मुख भुजा लंब कहलाएगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा करण कहलाएगी, और बची हुई भुजा जो है उसे हम आसन भुजा या फिर आधार कह सकते हैं। समकोण त्रिभुज में, प्यारे विद्यार्थियों एक बात और सुनिएगा, समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय काम में ली जाती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, जिसका दूसरा नाम है बोधायन प्रमेय। जो होती है करण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय समकोण त्रिभुज में काम में ली जाती है, जिसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में करण का वर्ग हमेशा आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय का उपयोग कब किया जाता है, जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे दी जाएं और तीसरी भुजा यदि अपने को ज्ञात करनी हो तो हम इस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं वापस त्रिकोणमिति की। लिखिएगा सबसे पहले त्रिकोणमिति की परिभाषा। त्रिकोणमिति की परिभाषा, त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और उनके बीच के कोणों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में क्या किया जाता है, कोई भी त्रिभुज है उस त्रिभुज की भुजाओं और उन भुजाओं के बीच में बने हुए कोण, इनके आपस में संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अपने कोर्स में टॉपिक दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात डालिएगा टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, सबसे पहले हम बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते किसको हैं। प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमितीय अनुपात किसको बोला जाता है,
समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए उस समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है उस अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। लिखिएगा एक बार परिभाषा, उसके बाद में समझते हैं। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए, न्यून कोण थीटा के लिए त्रिभुज की विभिन्न भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थी इनको रट लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम काम में लेंगे उनका नाम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनको रट के याद कर लेते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि साइन किसको बोला गया, कोसाइन किसको बोला गया, टेन किसको बोला गया। देखिएगा, मान लो ये समकोण त्रिभुज है, मैंने नाम दिया इसको ए बी सी। बी एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब मान लो इस त्रिभुज में एक न्यून कोण दिया गया है अपने को सी थीटा, तो हम समझ गए कि इस थीटा कोण के लिए, न्यून कोण थीटा के लिए समकोण त्रिभुज में इस त्रिभुज की भुजाओं का हम रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर ये थीटा एंगल दिया गया है तो इसके सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाएगी करण और बची हुई भुजा कहलाएगी आधार। अब इस थीटा एंगल के लिए, ध्यान से देखना प्यारे विद्यार्थियों, इस थीटा एंगल के लिए लंब और करण का जो अनुपात है, इस त्रिभुज की ये भुजाएं हो गई लंब और कर्ण, थीटा एंगल के लिए इस समकोण त्रिभुज में इस थीटा न्यून कोण के लिए इस समकोण त्रिभुज की भुजा लंब और कर्ण, लंब और कर्ण इन दोनों का अनुपात, लंब बट्टा कर्ण बोल सकते हैं आप इसे, समकोण त्रिभुज में इस थीटा न्यून कोण के लिए, इस न्यून कोण के लिए ही नहीं, इसके लिए भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसके लिए, समकोण त्रिभुज में इस थीटा न्यून कोण के लिए इस त्रिभुज की दो भुजाएं लंब और कर्ण इन दोनों का जो अनुपात है, इस अनुपात को बोला जाता है साइन, पूरा नाम इसका साइन, जिसे शॉर्टकट में लिखा जाता है साइन, एस आई एन, साइन थीटा इज इक्वल लंब अपॉन कर्ण। ध्यान रखिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण का मतलब क्या है, यहाँ साइन और थीटा ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, एक साथ आएंगे। साइन थीटा का मतलब है समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण का अनुपात साइन है। प्यारे विद्यार्थियों, साइन को हिंदी में कहा जाता है ज्या, इस अर्थात इसको हम बोल सकते हैं ज्या थीटा। साइन थीटा को क्या बोल सकते हैं हिंदी में, हम ज्या थीटा, ये इसका हिंदी नाम है। एग्जाम में तो ये नहीं पूछा जाता, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा करण समकोण त्रिभुज में थीटा न्यून कोण के लिए लंब और करण का जो अनुपात है उस अनुपात को कहा जाता है ज्या, बोले तो साइन, अर्थात इसे हम बोलेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा करण, ये साइन थीटा अपना पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब हम बात करें
आधार और करण के। इस समकोण त्रिभुज में इस न्यून कोण थीटा के लिए आधार और करण का जो अनुपात है इसको बोला जाता है कोसाइन। क्या बोला जाता है? कोसाइन, जिसे शॉर्टकट में हम लिखते हैं कोस। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा करण। हिंदी में इसे बोला जाता है कोटिज्या थीटा। साइन थीटा को बोला जाता है हिंदी में ज्या थीटा, कोस थीटा को बोला जाता है कोटिज्या थीटा। कोस का पूरा नाम है कोसाइन। अब हम बात करते हैं लंब और आधार की। समकोण त्रिभुज में थीटा न्यून कोण के लिए लंब और आधार का जो अनुपात है इसे कहा जाता है टेंजेंट, या शॉर्टकट में बोलें तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा या टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या। मैं बोल सकता हूं इसे स्पर्शज्या थीटा। उसके बाद में आधार और लंब का अनुपात समकोण त्रिभुज में थीटा न्यून कोण के लिए आधार और लंब का अनुपात इसे नाम दिया गया कोटेंजेंट। शॉर्टकट में बोले तो कोट, कोट थीटा, कोट थीटा। इस समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए आधार और लंब का अनुपात कोट थीटा कहलाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोटे स्पर्शज्या। ये इसका हिंदी नेम। अब आधार और करण समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए, इस न्यून कोण के लिए आधार और करण का अनुपात, सॉरी करण और आधार का अनुपात, करण और आधार का अनुपात जो है उसे बोला जाता है सेकेंट, बोले तो सेक थीटा। हिंदी में इसे बोला जाता है व्युत्क्रम कोटिज्य, व्युत्क्रम कोटिज्या थीटा। क्यों बोला जाता है व्युत्क्रम कोटिज्या थीटा? देखिएगा, यहां कोस थीटा आधार और करण का अनुपात है कोस थीटा, जिसे बोला गया कोटिज्या थीटा। और इसका यदि हम व्युत्क्रम करें, व्युत्क्रम करें तो आ जाएगा करण बट्टा आधार, जिसे हम बोलेंगे सेक थीटा, हिंदी में बोलेंगे व्युत्क्रम कोटिज्या। अब बच गया करण और लंब का अनुपात। तो इस समकोण त्रिभुज में थीटा न्यून कोण के लिए करण और लंब का अनुपात, करण और लंब का जो अनुपात है इसे बोला जाता है कोसेकेंट। शॉर्टकट में बोले तो कोसेक थीटा। हिंदी में कहा जाता है कोसेक थीटा को व्युत्क्रम ज्या थीटा। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो छह त्रिकोणमितीय अनुपात जो आए हैं, दो दो भुजाओं का अनुपात समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के लिए जो आया है, इन छह त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने के लिए, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बट्टा करण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टा करण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, कोट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर करण बट्टा आधार और कोसेक थीटा बराबर करण बट्टा लंब, इनके लिए एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। जिसे बोला जाता है लाल बट्टे का। प्यारे विद्यार्थियों, इन छह त्रिकोणमितीय अनुपातों
याद रखने के लिए, इनका फॉर्मूला याद रखने के लिए ये ट्रिक काम करेगी। इस बात को आप ध्यान से समझना, अगर आप इन छह त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्रम से याद कर लेते हैं, एक नंबर पे साइन थीटा, दो नंबर पे कोस थीटा, तीन नंबर पर टेन थीटा, चार नंबर पर कोट थीटा, पांच नंबर पर सेक थीटा, छह नंबर पर कोसेक थीटा, तो आपको बहुत सारी बातें आगे रटने की जरूरत नहीं होगी। आप हर बात को समझते हुए चलेंगे तो देखिएगा इन छह नामों को क्रम से याद करने की ट्रिक क्या है। मैं पहली पंक्ति लिख रहा हूं उस ट्रिक की, जिससे कि आपको क्रम से याद करने में आसानी रहेगी। नंबर एक, साइन नाम को बनियो, साइन नाम को बनियो। नंबर दो, कोस चाल के कोस चाल के। नंबर तीन, टेन रुपया में नंबर चार कोट खरीदे। सर्दी को मौसम हो हाथ सेक के नंबर छह कोसेक और जाए। सुनिएगा, साइन नाम को बाणियो, कोस चाल के, टेन रुपया में कोट खरीदो, सर्दी को मौसम हो, हाथ सेक के कोसे कोर चले। पहली लाइन साइन, दूसरी वाली लाइन में कोस, बाकी सारे साइलेंट, तीसरी वाली में टेन, चार नंबर वाली में कोट, पांच नंबर वाली में सारा साइलेंट रहेगा, केवल सेक, और छह नंबर वाली में कोसे। इनको हम क्रम से याद करेंगे, साइन नाम को बाणियो साइन थीटा, कोस चाल के कोस थीटा, टेन रुपया में टेन थीटा, कोट खरीदो कोट थीटा, सर्दी को मौसम हो हाथ सेक के सेक थीटा, कोसे कोर चलो कोसेक थीटा। ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इन छह त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप क्रम से याद कर सकते हैं। अब देखिएगा इसके फॉर्मूलों पे बात करते हैं, साइन थेटा है वो कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है। अगर मान लो आपने इनको क्रम से याद कर लिया, तो एक नंबर पे साइन थेटा, तो मैं इसे नंबर दे रहा हूं एक। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहां से शुरुआत करते हैं, चलिए इधर चल रहे हैं। उसके बाद में दो नंबर कोस थेटा, तीन नंबर टेन थेटा को देंगे, फिर हम वापिस नहीं आएंगे, एक सर्किल बनाएंगे, यूं चल रहे हैं, अब नीचे की तरफ आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वन टू थ्री के लिए बोले तो साइन कोस और टेन के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, वो ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, इनका जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो ऊपर से नीचे की तरफ। बोले तो साइन थीटा, एक नंबर वाले का साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे लंब बटा करण, ऊपर से नीचे की तरफ। कोस थीटा का फॉर्मूला लिखे तो दो नंबर पे है कोस थीटा, आधार बट्टा कर्ण, तीन नंबर पे है टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बट्टा आधार। ये बात होगी वन टू थ्री, साइन कोस टेन। अब हम बात करते हैं कोट से कोसेक की, तो पहले विद्यार्थी हम यहाँ पहुंच चुके थे, अब इधर आएंगे तो इसे नंबर देंगे चार पाँच छ, और अब हम वापस अपने स्थान पर जाने की कोशिश करेंगे,
इनका जो फॉर्मूला है, 4, 5, 6 का फॉर्मूला लिखा जाएगा नीचे से ऊपर की। तो मैं लिख रहा हूँ कोट थीटा का फॉर्मूला। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, क्योंकि 4, 5 और 6 के लिए जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। पहले लिखेंगे आधार बटा लंब, उसके बाद में सेक थीटा, करण बटा आधार, उसके बाद में कोसेक थीटा, करण बटा लंब। अगला टॉपिक डालिएगा व्युत्क्रम संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, देता हूं मैं एक बार, नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कोस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कोट थीटा, नंबर 5 सेक थीटा और नंबर 6 कोसेक थीटा। प्यारे विद्यार्थियों, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में रिलेशन होता है, बोले तो आपस में संबंध होता है। इस संबंध को बोला जाता है व्युत्क्रम संबंध। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में परस्पर जो संबंध है उस संबंध को बोला जाता है व्युत्क्रम संबंध। अब बात करते हैं ये व्युत्क्रम संबंध कैसे बना। तो देखिएगा, साइन थीटा के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा करण। देख रहे हैं आप, साइन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटा करण। और कोसेक थीटा का फॉर्मूला देखिए, कोसेक थीटा का फॉर्मूला है करण बटा लंब, इसका व्युत्क्रम। साइन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटा करण, जबकि कोसेक थीटा का फॉर्मूला है करण बटा लंब, इसका व्युत्क्रम, या फिर ये इसका व्युत्क्रम। तो हम यूं बोल सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे के प्योर मारवाड़ी में बोले तो बोले उल्टे हैं। ये साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में क्या है, व्युत्क्रम है एक दूसरे के। तो साइन थीटा जो है मैं लिख सकता हूँ 1/cosec कोसेक थीटा हो, अर्थात कोसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा है। तो फिर कोसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा का व्युत्क्रम होगा 1/sin θ। कोस थीटा की अगर बात करें, कोस थीटा का फॉर्मूला देखिएगा आधार बटा करण, सेक थीटा का फॉर्मूला देखिएगा करण बटा आधार। तो कोस थीटा और सेक थीटा दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो कोस थीटा किसका व्युत्क्रम है, सेक का। तो सेक का व्युत्क्रम करेंगे 1/sec θ, व्युत्क्रम बोले तो उल्टा। और सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होगा, कोस का। तो इसे आप लिखेंगे 1/cos θ। अब बात करें टेन और कोट की, तो टेन थीटा का फॉर्मूला देख रहे हैं आप लंब बटा आधार। टेन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटा आधार। तो कोट थीटा का देखिए आधार बटा लंब, ये भी फॉर्मूले एक दूसरे के व्युत्क्रम हो रहे हैं। तो टेन थीटा है वो कोट थीटा का व्युत्क्रम होगा 1/cot θ, और कोट थीटा टेन थीटा का व्युत्क्रम होगा 1/tan θ। प्यारे विद्यार्थियों, ये है त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होगा, कोस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम होगा, टेन थीटा कोट थीटा का होगा, कोट थीटा टेन थीटा का होगा, सेक थीटा कोस थीटा का होगा, और कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होगा। प्यारे विद्यार्थी, इसके साथ ही एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, टेन थीटा को बोला जाता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये टेन थीटा को बोला जाता है। अर्थात यूं कहें कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब सवाल उठता है कि टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्यों लिखा जाता है। तो देखिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटा करण, और कोस थीटा का फॉर्मूला है आधार बटा करण।
प्यारे विद्यार्थियों, यदि साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे दिया जाए, आप ये बोले कि साइन थीटा में ही कोस थीटा का भाग क्यों दिया? प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप कोस थीटा में भी साइन थीटा का भाग दे देंगे तो एक दूसरा फॉर्मूला जो कि हम आगे बात करेंगे, अगर साइन थीटा में भाग दे दिया जाए कोस थीटा का, इसका मतलब साइन का जो मान है उसमें कोस के मान का भाग दे रहे हैं आप, तो लंब बट्टा करण में आप भाग दे रहे हैं आधार बट्टे करण का, तो आप देख रहे हैं करण से करण क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैंसिल कैसे होगा, थोड़ा खुल के देखिएगा, लंब बट्टा करण ऐसा कैसा लिखा, इस भाग को मैंने गुणा में तोड़ा तो नीचे वाली जो फ्रैक्शन लिखी हुई है अंश अपॉन हर के रूप में ये चेंज हो जाएगी, करण चला जाएगा अंश में और आधार आ जाएगा हर में, तो देखिए करण से करण कैंसिल हो गया, क्या बचा, लंब बट्टा आधार, और ये लंब बट्टा आधार किसको बोला जाता है, टेन थीटा, देखिएगा लंब बट्टा आधार टेन थीटा, तो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा लंब बट्टा आधार के बराबर आया, जो किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा, इसलिए टेन थीटा को लिखा जाता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब बात करते हैं कोट थीटा की, तो कोट थीटा है ये टेन का व्युत्क्रम होता है, तो हम टेन वाले का व्युत्क्रम करेंगे तो कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन। एक बात और स्पष्ट कर दूं मैं फिर से, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिख रहे हैं ये क्या है, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए उस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हैं, जबकि साइन केवल नाम नाम है, साइन के साथ यहाँ थीटा मल्टीप्लाई में नहीं है, ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा अर्थात यूं कहें त्रिकोणमितीय अनुपातों को जब हम लिखते हैं तो लिखते समय ध्यान ये रखना चाहिए, जैसे मैं साइन लिख रहा हूँ तो साइन थीटा, साइन और थीटा के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल सटे हुए होने चाहिए, जैसे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, और कोई पूछिए साइन कोस टेन कोस से कोसेक है क्या, तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, ये साइन कोस टेन कोस से कोसेक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात। अब पूछने वाला आपसे ये भी पूछ सकता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते किसको है, तब आपको बताना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए, ये न्यून कोण भी हो सकता है ये न्यून कोण भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के लिए उस समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है, कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात, तो भिन्न भिन्न भुजाओं का अनुपात है जिनको भिन्न भिन्न ही नाम दिया गया है, एक एक बेसिक जानकारी के लिए आप इनका हिंदी नाम जरूर याद रखिएगा, साइन को बोला जाता है हिंदी में ज्या, कोस को बोला जाता है कोटिज्या, टेन को बोला जाता है स्पर्शज्या, कोट को बोला जाता है कोटि स्पर्शज्या, सेक को बोला जाता है व्युत्क्रम कोटिज्या, और कोसेक को बोला जाता है व्युत्क्रमज्या, ये इनके हिंदी नाम हैं, हिंदी नाम और फॉर्मूले और व्युत्क्रम संबंध, ये आप तैयार रखें, मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।